कि अभी मुझे अकेला रहना पड़ रहा है, ये तो मैं एक्टर नहीं बनता हूँ, ऐसे नहीं। अभी मुझे बड़ी तकलीफ़ हो रही है, सुबह उठना पड़ता है, मैं चलो मैं एक्टर नहीं बनता हूँ ऐसे नहीं। मतलब मैं, मेरी लाइफ का गोल, मतलब उसके लिए मैं रात में सोऊं, जागूं, मेहनत करूं, मैं 20-20 किलोमीटर चल के जाऊं, कुछ भी करूं, लेकिन मैं एक्टर बनना चाहता हूँ। मैं एक महीना नहीं सोऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा पीऊंगा, मैं वड़ा पाव पे जिंदा रहूँगा, लेकिन मुझे एक्टर बनना है। क्या उतना पैशन है तुम्हारे लाइफ में एक्टर बनने के लिए कि मुझे कुछ और मिले ना मिले, मुझे एक्टिंग चाहिए, एक्टर बनना है, अपने आपको टीवी पे देखना चाहता हूँ। अगर तुम्हारी लाइफ का ये गोल है, ये ड्रीम है, तो तुम तो सही डायरेक्शन में चलोगे। लेकिन अगर ये नहीं है, अरे यार क्या कर रहा हूँ यार मैं, क्यों एक्टिंग करने आ गया यार, क्यों एक्टर बनना चाहता हूँ मैं, एक्टिंग से तो मुझे कोई प्यार ही नहीं है, मैं एक्टर बनना ही नहीं चाहता, मैं अपने आप को नहीं देखना चाहता टीवी पे, मैं थोड़े पैसे वैसे कमा लूँगा, खुश रहूँगा, ये सब क्या फालतू की चीज़ है। फिर तुम्हारे लिए फिर एक्टिंग नहीं है, इसको अपने आप को टीवी पे देखना है, पर्दे पे देखना है, वो पागल है और ये पागलों की दुनिया है। फिर उस बंदे के लिए कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, उसको कॉम्पिटिशन कभी फील ही नहीं होगा। जैसे तुमने अभी बात की शाहरुख, तो उन्होंने कहा ना कि मेरा कोई किसी से कॉम्पिटिशन नहीं, मेरा कॉम्पिटिशन खुद से। ये बात क्यों बोली उन्होंने कि उनको कोई दिख ही नहीं रहा होगा सामने, वो सिर्फ अपना गोल दिख रहा है, बस मुझे ये अचीव करना है, कैसे भी करना है मैं करूँगा, वो सामने और कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो अगर आप सच में पैशनेट हो किसी चीज़ के लिए, तो आप कहीं से भी करके कुछ भी करके करोगे, आपको कोई कॉम्पिटिशन नहीं दिखेगा, कोई आपके आसपास कोई टक्कर लेने वाला होगा ही नहीं। कितने ही लोग ऐसे हैं जिनको ये मौका मिलता है ये करने का, कि जो करना चाहते हैं कर ही नहीं पाते, पहला स्टेप ही नहीं ले पाते, एक्शन ही नहीं ले पाते। तुम लकी हो, फॉर्चुनेट हो, तुमको मौका मिला, आज तुम यहाँ पे आके बैठे हो, तुम सीख रहे हो, करना चाह रहे हो, कर पा रहे हो। कितने लोग हैं ऐसा जो कर पाते हैं? जो होगा होगा, भगवान भरोसे। छोड़ दो ना, भगवान पे भी कुछ छोड़ दो, हर चीज़ की कमांड इंसान क्यों ले लेता है? फिर हम दुखी होते रहते हैं, अरे यार ये नहीं हुआ तो क्या होगा, खुद प्लान बनाते हैं। मतलब इंसान इतना पावरफुल है, खुद प्लान बना लेता है कि 2 महीने बाद ये कर लूँगा, 4 महीने बाद ये कर लूँगा, फिर ऐसा कर लूँगा, फिर ऐसा। अरे भाई तुम्हें खुद का भरोसा नहीं है कल को क्या होगा। ऐसे सड़क से जा रहे हैं, कौन सा कुत्ता के काट लेगा पता ही नहीं है। हम प्लान बना रहे हैं 2 साल में ये कर लूँगा, 4 साल में वो फाड़ दूंगा, चीर दूंगा। अरे चुपचाप रहो ना, आज तो जी लो कम से कम। तुम्हें तो पता है सड़क में जाओगे वो तो कोई कुत्ता के काटेगा, पता है बिल्ली काट सकती है, सांडा के पीछे से मार सकता है, उड़ा देगा तुमको। तो तुम्हें अपना तो ठिकाना नहीं है, अभी एक दिन का अभी क्या होने वाला है। हम 2 साल, दो महीना, 3 महीना, 6 महीना, 8 महीना ऐसे प्लान बनाते रहते बिना मतलब में। क्या लॉजिक है ये सब करने का? यू आर लकी इनफ, थैंक यू बोलो भगवान को, ऊपर वाले ने मौका दिया, आज तुमको सीखने का मौका मिल रहा है। और ज़िंदगी में कोई भी चीज़ सीखी हुई कभी बर्बाद नहीं होती, हमेशा तुमको लाइफ में कुछ ना कुछ देख ही जाएगी। वो आज रियलाइज़ नहीं होगा, ये तुमको कुछ सालों बाद, 5-6 साल बाद जब पलट के देखोगे समझ में आएगा कि यार मैंने वो सीखा, या वो जगह जॉब किया, मैंने वो ट्रेनिंग की, इसकी वजह से मेरा ये हुआ। धीरे 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 लाइफ में वो हमेशा काम आता है, और सारे डॉट्स कनेक्ट होते हैं आपस में एक दूसरे से। इसलिए छोड़ना सीखो ऊपर वाले में। सिर्फ अगर तुम्हारा फैसला होता यहाँ पे आने का तो तुम कर पाते, तो ये नहीं पता बाहर कौन काटने वाला मुझे, तो तुम ले पाते ये सब डिसीजन। कहीं ना कहीं तो ऊपर वाले ने दिया है ना, सपोर्ट किया तुम्हें, वो चाहता था, ऊपर वाले की मर्जी थी, इसलिए तुम आज यहाँ तक आए। तो बस बिलीव रखो ना उस पर, भरोसा रखो ऊपर वाले पे थोड़ा। क्या तुम्हें ऐसा लगता है तुम ज़्यादा अच्छा चला सकते हो दुनिया? ये थोड़ा सा डीप बात है, लेकिन इंटरेस्टिंग है और बहुत मज़ेदार है। इसको समझोगा भी कि इंसान कभी कुछ करता नहीं है, कराने वाला कोई और होता है। आप कुछ भी कर लो, कहीं से भी कर लो, अगर तुम्हें नहीं आना होता ना यहाँ पे तो तुम नहीं आते। और ये बात सिर्फ रिलीजियस की नहीं है, ये बात क्रिएटर की है। कुछ है इस दुनिया में जो जो चीज़ें चला रही है, कुछ है ऐसा। हमको ऐसा लगता है कि हमने किया, हम कुछ नहीं करते, हम सिर्फ सोच सकते हैं कि हाँ चलो यार ये अच्छा लग रहा है, ये ट्राई करते हैं। होना ना होना ये हमारे हाथ में नहीं है, हम सिर्फ मेहनत कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। हम कोशिश भी कर पा रहे हैं इसलिए क्योंकि ऊपर वाले ने सोचा है, इसलिए हम कर पा रहे हैं, नहीं तो हम क्यों कर पाते? तो हम हमेशा नेगेटिव साइड क्यों देखते हैं? दोस्त ने बोल दिया अरे तू क्या कर रहा है, चल यार लग गई बात। मैं डेली बोलता हूँ तुम्हारा काम हो सकता है, हो गया, तुम ऑलरेडी तुम डॉक्टर बन गए हो, तो सब वो तो लगती भी नहीं, वो लगती नहीं एक बार भी। मैं डेली बोलता हूँ तुम अच्छा कर रहे हो, ग्रो कर रहे हो, अब तुम आगे बढ़ सकते हो, 4 महीने बाद तुम एक्टर बन गए हो, तो मान लो तुम एक्टर बन गए हो, तुम्हारा काम चालू हो गया है, सब ठीक है, हाइट वाइट अच्छी है, पर्सनालिटी अच्छी है, काम मिल जाएगा, मॉडलिंग का भी काम चालू हो जाएगा। वो एक बार भी नहीं लगी तुम्हें। अब तुम्हें फ़र्क पड़ने लग गया है, वो इसलिए क्योंकि फाइनेंशियल बैकअप रुक गया है। फाइनेंशियल तुम्हारा सपोर्ट था, जहाँ से इनकम आ रही थी, या जो पैसे कमा रहे थे, या तुम्हें लग रहा था कि अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, इतने आ ही रहे हैं, वो रुक गया ना। जब फाइनेंशियल इनकम रुक जाती है आदमी की, तो इंसान वीक फील करने लगता है। पैसा ऐसी चीज़ है ना, इंसान को पावर देती है। तो जब पैसा रुक जाता है तो इंसान वीक फील करने लगता है। इसलिए मैं कह रहा था अभी थोड़ी देर पहले कि ऐसा सिस्टम बनाओ कि वीकनेस दूर करो। ऐसा प्लान क्यों था कि काम ही छोड़ देना, कुछ और ही कर लेना है। पहले समझो आपकी वीकनेस क्या है, इस वक्त वीकनेस क्यों हो रही है, पैसे की वजह से हो रही है। आज जैसे तुम्हें अकेलापन यहाँ लग रहा है, वहाँ तो नहीं लगता था, यहाँ क्यों अकेलापन लग रहा है? यहाँ पे पैसे का जो फ्लो था वो रुक गया है। एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इनकम तुम्हारे पास थी, इसको तुमने यहाँ इन्वेस्ट करी है। अब उसके साथ फियर भी आ गया कि यार पैसा नहीं है तो अब तो डर भी लग रहा है, ये नहीं हुआ तो क्या होगा, वो नहीं हुआ तो क्या होगा, फिर आगे का क्या होगा, फिर उसके बाद का क्या होगा, इतना पैसा मैंने लगा दिया है, चीज़ें चली नहीं। क्योंकि पैसा ऐसी चीज़ है ना, या तो आपको पावर देगी, आपको वीक करेगी। अब तुम्हारा फ्लो टूटा है तो पैसा नहीं आ रहा अकाउंट में, क्योंकि अब तुम ट्रेनिंग कर रहे हो। तो ये चीज़ अब तुम्हें ना माननी पड़ेगी ऐसे कि हाँ मैं इतने दिन मैं वीक फील करूँगा, क्लियरली मान लो, इग्नोर मत करो उसको। 3 महीने 4 महीने मेरे पास पैसा नहीं आएगा तो मुझे वीक फील होगा, लेकिन 4 महीने मुझे इतना मेहनत करना है, उसके बाद मुझे ये वीकनेस आनी नहीं चाहिए, उसके बाद मेरे पास इतना पैसा आना चाहिए कि ये वीकनेस खत्म हो जाए लाइफ टाइम। लेकिन ये 4 महीने मैं वीक फील करूँगा। तो रियलिटी तुम्हें पता होनी चाहिए कि 4 महीने में तुम्हारे साथ क्या क्या होने वाला है। इसलिए मैंने पहले वाले सेशन में जब तुमसे बात कर रहा था, मैंने बोला था बताओ मुझे क्या क्या फील हो रहा है, अभी होगा और होगा। याद आ रही है सारी बातें? मैंने क्या बोला था, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है, अभी दूसरा महीना आने तो फिर देखो क्या क्या होगा। मुझे न्यूट्रल स्टेट में रहना है। क्या ही बिगड़ जाएगा इंसान का यार, क्या छिन जाएगा हमसे, हमने ऐसा क्या तोप मार लिया इस दुनिया में। कौन से 10,000 करोड़ की प्रॉपर्टी तुम्हारी कि छिन जाएगी कल एक्टर नहीं बने तो? ऐसा तो नहीं है ना। 50,000 करोड़ का मालिक तो अभी तुम हो नहीं कि तुम्हारा सब खत्म हो जाएगा, कल को मेरा राजमहल कौन संभालेगा पता नहीं मुझे। टेंशन किस बात का है? एंजॉय करो ना, हर प्रोसेस को एंजॉय करो। आज सीखने आए हो, इसको एंजॉय करो। 4 लोगों से मिल रहे हो, उसको एंजॉय करो। अकेले रह रहे हो मुंबई में, मुंबई शहर को एंजॉय करो। मुंबई का माहौल देखो, लोगों को देखो, ऑब्जर्व करो, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, इसमें कैसे ग्रो करते हैं, एक्टिंग क्या चीज़ है उसको एंजॉय करो, मोनोलॉग्स को एंजॉय करो। ये 4 महीने का जो प्रोसेस है इसको एंजॉय करो, बस। और कुछ नहीं सोचना ये हो जाएगा, बड़ा बन जाएगा, मैं चढ़ती कला हो जाऊँगा, मैं तो स्टार बन जाऊँ, वो भी नहीं सोचना। जब आप लालच करोगे तब भी कहीं ना कहीं फियर को इन्वाइट कर रहे हो, क्योंकि लालच आप तुमने सोचा कि 4 महीने बाद हो जाएगा, 4 महीने बाद नहीं हुआ, 6 महीने बाद हो तो जो 4 से 6 महीने का जो 2 महीने का गैप है उसमें तो पागल हो जाओगे। होना तो है ही, 4 महीने के बाद हो, 6 महीने के बाद हो, या 1 साल के बाद हो, लेकिन क्योंकि तुमने प्रेशर बना लिया कि 4th महीने या 6ठे महीने में हो ही जाएगा मेरा, अब नहीं हुआ तो क्या ही हो जाएगा, 4 महीने में नहीं होगा, 1 साल में होगा। एंजॉय करो ना, मस्ती रहो, खाओ पियो, दुनिया घूमो, देखो, दोस्त बनाओ, इंडस्ट्री में ग्रो करो, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो, और साथ साथ में लाइफ में इनकम सोर्सेज क्रिएट करते रहो। थोड़ा इनकम यहाँ से कर लिया, थोड़ा वहाँ से कर लिया, थोड़ा वहाँ से कर लिया, और अपने पसंद का काम करते रहो। तुम्हारा पसंद का काम अगर एक्टिंग है तो उसको करते रहो जिंदगी में। महीने में चाहे 4 काम मिले, 5 काम मिले, करते रहो। तुम देखते रहोगे टीवी पे, तुम देखते रहोगे एड्स में, तुम देखते रहोगे फिल्मों में, तुम्हारे लिए वही तो सबसे बड़ी चीज़ है। और एक दिन ऐसा आएगा जब तुम अच्छा खासा बन जाओगे अपने आप। वो कब आएगा किसी को नहीं पता, 1 साल में भी आ सकता है, 6 महीने में भी आ सकता है, हो सकता है 5 साल में आए, हो सकता है 10 साल में आए। क्योंकि 10 साल तक लाइफ फ्रस्ट्रेटेड रहोगे, अरे यार मैं तो करना चाहता कर ही नहीं पाया, हो ही नहीं पाया, तो मैं कुछ जाऊँगा, मर जाऊँगा, ऐसे तो नहीं कर सकते ना। आज जैसे तुम इतने बड़े बड़े एग्जाम्पल देखते हो, किसी को 18 साल बाद वो मिला सक्सेस, किसी को 10 साल बाद सक्सेस मिला, तो वो 18 साल तक तो रहे ना, वो मुंबई में काम तो करते रहे ना। थोड़ी ज़िंदगी ख़त्म कर ली सबने। सेल्फ डाउट तो उनको भी आता था, लेकिन छोड़ के नहीं गए, और उनके साथ के बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स थे जो छोड़ के चले गए, जिनको सेल्फ डाउट आया, ख़त्म करके चले गए सब, वो नहीं गए, इसलिए उनको सब कुछ मिल गया। तो इवेंचुअली हमारा गोल क्या है कि हमको एक्टिंग करनी है, मुंबई में रहना है, और काम करते रहना है, हमें टीवी में देखते रहना है, फिल्मों में देखते रहना है, वो काम करते रहना है। ये हमारा इवेंचुअली हमारा ये गोल है। उसके लिए हमको स्टेप बाय स्टेप अपने प्रोसेस को एंजॉय करते चले जाना है। और फ्यूचर में अगर कभी ऐसा लगता है कि यार उतनी इनकम यहाँ से नहीं आ रही है एक्टिंग से, तो सेकेंडरी इनकम खोल लो, रेस्टोरेंट खोल लो, कोई दुकान खोल लो, कोई प्रॉपर्टी ले लो, कुछ और कर लो, जहाँ से छोटी मोटी इनकम आती रहे।